तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी पीहू। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं गोवा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हम लोग जा रहे हैं नॉर्दर्न गोवा, बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड, लेट्स सी हाउ दिस गोवा ट्रिप इज़। तो अभी हम सब लोग सुबह 6 बजे निकल रहे हैं और पुणे से मतलब गोवा जाने के लिए 12 घंटे लग जाते हैं मिनिमम है ये। हमको तो तभी भी जाने में 13-14 घंटे हो ही जाएंगे, सो वी विल अराइव लेट एट नाइट, मान लो 8-9 बजे पहुंच जाएंगे हम लोग। बाय द वे, हमारे होटल का नाम मुझे नहीं पता है, बट यप, बहुत मज़ा आने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, दिस इज़ द पार्ट। तो गाइज, हम लोग घर से खाना लेकर आए थे और अभी हम सब ने ब्रेकफास्ट कर दिया, ऑलमोस्ट मेरा भी ख़त्म ही होने वाला है। हम लेकर आए थे मेदू वड़ा, उसके साथ आलू की करी और साथ में पूरी भी लेकर आए थे, मैंने अभी वो ख़त्म कर दी। तो सारा खाना वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। मिलती हूँ आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए थे फूड कोर्ट में मैकडॉनल्ड्स। यहाँ पे मैंने ली थी अमेरिकन मड पाए, मैंने टेस्ट नहीं करी है, लेट्स सी हाउ दिस टेस्ट। दिस टेस्ट लाइक ब्राउनी मिल्कशेक, बहुत टेस्टी है, आप भी ट्राई करना। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। अभी हम लोग आ चुके हैं अम्बोली घाट के एक वाटरफॉल से, ऐसा मतलब लिटरली रास्ते में ही पड़ा वाटरफॉल, रास्ते में ही पड़ता है ना, रास्ते में ही पड़ता है। बहुत बारिश हो रही है, अभी मैं भीग भीग के ब्लॉग बना रही हूँ, देख लो कितना अच्छा वाटरफॉल है। इसका मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगी, आप मेरे चैनल पे देख लेना। तो गाइस देखो, यहाँ का व्यू बहुत ज्यादा अच्छा है। एक तो साइड में वॉटरफॉल, पीछे माउंटेन है, लेकिन फॉग की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पर फिर बाद में यहाँ पे किचन है, 2 चेयर भी है जो कि एडजस्टेबल है। यहाँ पर अगर आपको कपड़े सुखाते हैं तो उसके लिए एक ऐसे स्टैंड भी दे के रखा है, एक फ्रिज है, टोस्टर भी है, फ्रिज देख लो एकदम क्लीन है। फिर ऊपर टोस्टर है, बहुत सारी चीज़ें भी है जैसे कॉफ़ी, चीनी, सॉल्ट, सारी बेसिक चीज़ें। उसके बाद गैस भी है, केटली भी है, फॉक जो भी क्रॉकरी होती है वो, प्लेट, सिंक, और ये डाइनिंग एरिया वही है, पीछे आपको चेयर दिखाई मैंने, ग्लासेस वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से। बेडरूम भी बहुत अच्छी है, लाइक दिस इज़ अ कपल साइज बेड। ये बेड है, ये वॉशरूम है, एंड दिस इज़ अ कबर्ड जिसमें मिरर भी है, पर ऐसे एक लॉक है बांधने के लिए। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। हाँ, यहाँ पे आपको ब्लैंकेट एक एक्स्ट्रा और एक पिलो प्रोवाइड करी है, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ड्रॉवर्स खाली है और क्या कर रही हूँ मैं, और ऊपर हैंगर्स भी टंगा दिए हैं,
तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो रूम पर्सनली। टीवी भी है जो कि चलता है लेकिन लगाया नहीं है। एंड दिस इज द बालकनी, छुटकू सी बालकनी, लाइक इसमें उतनी स्पेस नहीं है चलने की, बट या इट्स ओके। कुछ ऐसा व्यू आता है, वहाँ पे कुत्ता मुझे देख रहा है व्लॉग बनाते हुए नीचे, बाकी इट्स ओके। बट मुझे रूम अच्छा लगा, बालकनी पर थोड़ी सी शॉपिंग। हम लोग अभी थोड़ी देर में फ्रेशन अप होके बीच जाएंगे, मिलती हूँ आपको बीच पर। गाइस मैं फाइनली आ चुकी हूँ यहाँ पे कैंडलिम बीच में। अभी अंदर क्या क्या है सब कुछ अभी दिखाने वाली हूँ, जो भी मैं खाऊंगी जो भी चीज होगी सब सब चीज की वीडियो दिखाऊंगी। सबसे पहले अभी हम लोग अंदर नहीं गए हैं, यहाँ पर पार्किंग की भी आपको फीस देनी पड़ती है, चार्जेबल है। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, व्हाट इज डरिंग चाहिए। Drive to the beach, the sun was setting, it was just you.